दोस्तों विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल शुरुआती दो मुकाबलों से बाहर हो चुके हैं। अभी वो चोट के चलते उभर नहीं पाए हैं, जिसके कारण शुरुआती दो मुकाबलों से उन्हें बाहर ही होना पड़ा। दोस्तों अगर इन दोनों मुकाबलों की बात करें तो पहला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ 2 सितंबर को खेला जाना है, वहीं दूसरे मुकाबले की बात करें तो 4 तारीख को नेपाल के खिलाफ खेला जाना है। इन दोनों मुकाबलों से केएल राहुल बाहर हो चुके हैं और कौन सा खिलाड़ी उनकी जगह ले सकता है? दोस्तों अगर केएल राहुल के रिप्लेसमेंट की बात करते हैं तो दो खिलाड़ी दावेदार हैं, पहले तो ईशान किशन, वहीं दूसरे की अगर बात करते हैं तो संजू सैमसन। दोनों ही विकेट कीपर बल्लेबाज, लेकिन अगर मेरी व्यक्तिगत राय की बात करें तो यह जगह जो ईशान किशन को मिलने वाली है, क्योंकि ईशान किशन ने अच्छा प्रदर्शन भी किया है और संजू सैमसन की बात करें तो वो ज्यादा खास प्रदर्शन कर नहीं पाए हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि केएल राहुल को जगह किस खिलाड़ी को मिलनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। अगर ऐसी खबरों से लगातार जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।